गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सुबह से मैं थोड़ा घर का काम निपटा के अब इधर को आ चुकी हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो बच्चे चले गए स्कूल को और हमने भी कर लिया नाश्ता है। हाँ, हमने भी कर लिया नाश्ता। और आज जैसे कि आज यहाँ का मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है। प्यारी प्यारी धूप आ रखी है, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। धूप बड़ी अच्छी आ रखी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रखा है। और नीचे पास के गांव में आज हमारे यहाँ आने वाली है बारात। तो फ्रेंड्स अगर मैं बारात में जा पाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी बारात। और आज बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग, क्योंकि बीच में मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि सिलाई का काम करती हूँ, तो इसलिए शादी के सीज़न में बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, जिससे मुझे टाइम ही नहीं मिला था ब्लॉगिंग करने का। आज बहुत दिनों बाद कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो प्लीज़ जो भी आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा कि खिली खिली प्यारी सी धूप आ रखी है। तो गाइस देखिए, इतनी अच्छी धूप आ रखी है, मस्त धूप आ रखी है, एकदम क्लियर। वो सामने जो बड़ा गांव दिख रहा है, इस गांव को गांव का नाम कहते हैं पितना। और यहाँ पे सामने एक दिख रहा है, नीचे गाँव दिख रहा है यहाँ पर, जो इसको कहते हैं चूपड़ा। और यहाँ पर नीचे ये गांव दिख रहा है जो सामने आपको, ये छोटा सा गांव है, मतलब छोटा भी नहीं है, बड़ा ही है। इसको कहते हैं टिकर। तो यहाँ के जो तनु चिल्वाल और राधा चिल्वाल हैं ब्लॉगर, वो भी इसी गांव में रहते हैं। वो ये गांव है, इसी एरिया में हम भी रहते हैं, यहीं पे हमारा गांव भी है। तो गाइज मैं आपको कुछ यहाँ पर नई चीज़ दिखाने को, बन जाता है इसकी अच्छी खाद लगती है खेती में। ये है जो कच्चा गोबर है, वो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ पर रखा है कच्चा गोबर। आजकल ला रहे लोग इसको, वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। वो 5-6 महीने के बाद वो भी तैयार हो जाएगा कि इसको डालते खेतों में। इसके लिए जगह तय करके लोगों ने यहाँ पर अलग अलग ढेर बना रखे रखा है। यहाँ पर बहुत सारा ढेर बना रखा है। इसके नीचे से जो तैयार खाद है उसको निकाल के लेते जाते रहेंगे, ऊपर से कच्चा डालते जाते हैं। तो इसको डालते हैं खेत में। तो यहाँ पे इतना मस्त ढेर बना रखा है, देखो चट्टा बना रखा है इसका, ये गोबर का चट्टा, ये खाद का, ये इसको बर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हो रही है बिच्छू की झाड़ी, बहुत तेल लगता है अगर लग गया तो ना, बहुत ही झंझन होती है, दिन भर झंझनी रहती है ये बिच्छू घास। आज सुबह सुबह बहुत नुकसान हो पड़ा मुझे, जैसे कि मैं आपको बताना भूल गई, बहुत ही नुकसान हो गया। तब से अजीब हो गया मुझे, जैसे बच्चों के लिए लगाया था हमने दूध, सुबह दूध लेके आए थे तो मैं नहाने की दूध गर्म करके रख गई थी। बिल्ली आई तो बिल्ली ने सारा दूध हमारा गिरा दिया, बच्चों का सारा दूध का नुकसान कर दिया। तो गई जब दिन भर बच्चों के पीने के लिए दूध भी नहीं है, तो सुबह सुबह बिल्ली हमारा बड़ा नुकसान करके गई। आज बिल्ली ने दूध गिरा दिया। तो अब मैं जाती हूँ घर की ओर, थोड़ा घर से दूर आई थी मैं, क्योंकि कहीं दरवाज़ा खुला होगा तो बिल्ली फिर से ना कुछ गिरा दे घर में, क्योंकि घर में ही रहती है वो, बच्चों के जाने के बाद घर में रहती है। आज तक तो कभी एहसास नहीं किया था दूध नहीं गिराया था, लेकिन आज उसने दूध गिरा दिया हमारा। तो फिर मैंने उसको मार भी दिया डर से, जहाँ तक तो वो नहीं आएगी, क्या पता फिर आ भी सकती है। तो अब मैं घर की ओर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स घर में भी बहुत सारा काम है अभी, क्योंकि आजकल शादी का सीज़न है। अभी भी सिलाई का काम है, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कहा, मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, आप लोगों से भी मिल लेती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ घर को, घर जाके करती हूँ अपना काम। तो प्लीज़ बने रहे मेरी वीडियो में। दुल्हन के सहेलियों के कपड़े आए थे, आज के दिन में काम करना है, सूट बनानी है आज। और दुल्हन के भी कपड़े थे वो मैंने कल बना के रख लिए। ये है दुल्हन की साड़ी, प्यारी सी साड़ी, ये बना के रख दी। तो आज मैंने ये काम करना है और इसको करती हूँ मैं अभी कटिंग। एक ही कटिंग करके एक सूट की, अभी मुझे बनानी है चार और बनानी है। तो एक की तो मैंने कटिंग करके रखी है, तो दूसरी की अब कटिंग करती हूँ फटाफट।
थी मैं सुबह। अब मैं कर रही हूँ इसकी सलवार की कटिंग। सुबह मैंने इसकी कमीज की कटिंग कर ली थी, तो सलवार कटिंग कर ली थी। अभी आगे करने हैं चार सूट तो रेडी करने हैं, क्योंकि कल को गांव में है महिला संगीत और परसों की शादी, तो कल सुबह तक तो देने ही देने हैं। पहुँची धूप करो। हाँ, अपनी मशीन मैंने रख ली बाहर धूप में। अब मैं यहाँ पे करती हूँ अपना काम। तो बने रहिए आप मेरी ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप अपना काम निकालने के बाद आपसे मैं काम चलता है।